हाय गाइस, तो अक्सर मेरे पास जो कंसल्टेशन के कॉल्स आ रहे हैं वो कॉल्स ये होते हैं कि मनीष जी, हमने अपने आर्किटेक्ट या इंटीरियर डेकोरेटर से 3D डिज़ाइन, तो जो घर का फ्रंट है वो तो मैंने डिज़ाइन करवा लिया है, बट अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार इसका कॉस्टिंग कितने आने वाला है, या फिर ये बना तो दिया है आर्किटेक्ट ने, अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा या इसका काम कैसे होने वाला है। और जब वो मुझसे पूछते हो, जब मैं बताता हूँ कि आपके फ्रंट फसाड का जो 3D डिज़ाइन आपने बनवाया उसके हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग है वो 5 लाख आने वाली है या 10 लाख आने वाली है या 2 लाख आने वाली है, और दिल भी लाइक वो शौक हो जाते हैं, यार मनीष जी हम तो 1 लाख का बजट लेके चले थे या 3 लाख का बजट लेके चले थे और ये तो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया। तो हमेशा घर के फ्रंट के फसाड को डिज़ाइन करवाने से पहले हमेशा ये एक चीज़ फाइनल करके चलें कि यार मुझे अपने घर के फ्रंट के ऊपर 2 लाख खर्च करना है या 3 लाख खर्च करना है या 5 लाख खर्च करना है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंटी कोच पे, और मैं हूं एंटी कोच एंड एंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा लाइक्स आए हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसको डेली मिल रहे हैं, उसको जाके जरूर देखो। उसमें मैंने ये बताया कि घर के अंदर आप एक वॉल को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में कितना सुंदर डिज़ाइन दे सकते हो, वहाँ पे है लिंक, मैंने आई बटन में डाल दिया, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये हमारे क्लाइंट का 3D है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिनका हमने 3D डिज़ाइन किया है, उनके जो टेस्ट है उसके हिसाब से जो जो एलिमेंट्स वो चाहते थे उनके घर में लगे, तो उसके हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और अब उस डिज़ाइन के रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकते हैं वो ऑप्शन भी दूंगा उनकी कॉस्टिंग के साथ, और वीडियो के एंड में मैं एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें आप पर स्क्वायर फीट बेसिस पे खुद अपने घर का फसाड पे जो खर्चा आने वाला है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इजीली अपने आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर को आप गाइड कर सकते हो, नहीं तो हम तो है ही हैं जो बिना आपकी गाइडेंस के उसी बजट में डिजाइन कर ही देंगे। तो सबसे पहले मैं वो कुछ एलिमेंट्स बताते हैं जो फ्रंट फसाड पे हम लगा सकते हैं। वैसे तो अनगिनत आइटम्स इस वक्त मार्केट में है जो हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं मेजर उन एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं जो ज्यादातर आजकल मार्केट में है और जो जोर शोर से यूज हो रहे हैं। टोटल इसमें मैंने 11 पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे कि पेंट हो गया हमारा, HPL हो गया हमारा, ACP हो गया हमारा, स्टोन क्लैडिंग हो गया, टाइल और ग्रेनाइट या इटालियन स्टोन क्लैडिंग हो गया, MSK सेक्शंस हो गए, WPC जाली हो गया, GCRB जाली हो गई, लाइट्स हो गई, रेलिंग हो गया और ग्लास का कुछ काम हो गया। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ऐसा बोनस पॉइंट दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में आप अपने घर के फ्रंट को ऐसा बना सकते हो जो देखने में सुंदर तो लगेगा ही लगेगा, और वो भी पॉकेट बजट में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। आप चाहे आपका घर ग्राउंड फ्लोर है या 2 फ्लोर है या 3 फ्लोर है, वो हर जगह काम करता है, वो एक ऐसा डिज़ाइन है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले आप ये कुछ 3Ds देख लीजिए, जो जो ये 3Ds हैं जिसके अंदर वो सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे, जैसे पेंट, HPL, स्टोन क्लैडिंग, स्टोन और ये सब रिपीट हो रहा है। तो ये आप 3D देखो, तो अब हम शुरुआत करते हैं ये 3D डिज़ाइन से। इसके अंदर अब आप देख पा रहे हो हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे और सारी कॉस्टिंग मैं आपको बताता जाऊंगा। अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने ममटी के टॉप को यहाँ पे एक सी चैनल दिखाया जिसके नीचे हमने ACB का क्लैड डाला है बेसिकली। अब ये सी चैनल नॉर्मल एल्यूमिनियम में भी बन सकता है, पाउडर कोटेड में या लोहे में भी बन सकता है, लेकिन लोहे में वो सी चैनल नहीं खरीदना है। इसकी जो ट्रिक होती है कि आपने एक पतली सी 1 mm या 2 mm की शीट ली और उसको बेंड करा दिया और ये सी चैनल यहाँ लगा दिया, जो कि बहुत ही सस्ता भी पड़ता है और काम अच्छा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि आपने RCC के स्लैब को पहले एक्सटेंड करा लिया और इस सी चैनल को वेल्ड करा दिया जिस पे हमने मैट फिनिश का एनिमल पेंट कर दिया और ये सेम फील हमारी आ जाएगी। तो बेसिकली जो ये लोहे का रेट चल रहा है वो करीब करीब 70-90 रुपीज़ पर केजी का चल रहा है, और जो इसका लेबर चार्ज आता है वो 20-25 रुपीज़ पर केजी का आ जाता है। तो ये हमेशा केजी में कराओगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रनिंग फिट में कॉस्ट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी ये पर केजी की कॉस्ट आएगी, जो इजीली आप किसी भी वेल्डर या अपने फैब्रिकेटर को बुलाओगे वो इजीली आपको कॉस्ट बता देगा। नॉर्मल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया और एंड में मैं आपको पूरा बता ही दूंगा। उसके बाद जो अगर आप देख पा रहे हो ये है हमारी स्टोन क्लैडिंग। अब ये स्टोन क्लैडिंग के बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं मार्केट में, 1,000 जैसे टाइल्स के डिज़ाइन, ऐसे ही स्टोन क्लैडिंग के भी अनगिनत डिज़ाइन आते हैं। अब स्टोन क्लैडिंग का जो रेट स्टार्टिंग रेट होता है वो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। अब इस स्टोन क्लैडिंग की खासियत क्या है कि ये देखने में सुंदर बहुत लगती है और एक रॉ नेचुरल फील लेके आती है जो घर में बहुत सुंदर दिखता है, और एक एलिमेंट मिल जाता है हमें अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने का और लोगों को बताने का, यार देखो भैया हमने पैसा खर्च किया है और देखने में सुंदर भी लग रहा है घर। तो एक शो ऑफ मटेरियल भी बन जाता है कि हाँ यार घर वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप घर डिज़ाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नेचुरल स्टोन क्लैडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि स्टोन क्लैडिंग को हमेशा केमिकल से लगाना, सीमेंट से मत लगवा लेना, नहीं तो बस हो गया बेड़ा गर्ग आपका कि और वो सारे थोड़े दिनों में स्टोन के जो बुचीज होते हैं वो निकल निकल के गिरने लग जाएंगे। तो हमेशा केमिकल से लगाना,
और स्टोन क्लैडिंग के ऊपर पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो स्टोन क्लैडिंग की पूरी डिटेलिंग कैसे लगती है, कहां से मिलती है, क्या रेटिंग, क्या डिजाइन, सब आपको इजीली यहां से पता लग जाएंगे। और ये भी बताया कि कहां से सस्ती मिलेगी, तो वो आप वहां से देख सकते हो। तो स्टोन क्लैडिंग का जो बेसिक कॉस्ट आएगा वो ये आएगा, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर हम इनिशियल स्टार्टिंग रेंज लेके चलते हैं स्टोन क्लैडिंग की हो गई, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आपका मटेरियल आ गया, और 30-40 रुपीज़ ये बंदा जो है लगाने के लिए ले लेगा। अब इसमें मैं स्काफ होल्डिंग, मतलब जो पैड होता है, जो बाहर पैड बनती है बल्लियों की या लोहे की जो बनती है, जिसमें बंदा आप खड़े होकर काम करता है, वो कॉस्ट मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है एलिवेशन कितना बड़ा होने वाला, क्या होने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जो कॉस्ट आ गई वो कॉस्ट ये आ गई 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़ ले लेते हैं, तो करीब करीब 180 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपकी जो स्टोन क्लैडिंग है वो लग के रेडी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट थोड़ा और कम हो सकता है, लेकिन कम ही एरिया होगा, 200-250 स्क्वायर फीट है तो रेट थोड़े से बढ़ सकते हैं, 10-15% का वेरिएशन आ सकता है, नीचे या ऊपर हो सकता है, तो वो थोड़ा मार्जिन अपना लेके चलना। और वीडियो के लास्ट में मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर आपको पूरी कॉस्टिंग मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इजीली आप खुद बैठे बैठे पूरे घर की कॉस्टिंग निकाल लोगे फ्रंट फसाड के लिए। अब जो इसमें आप फोटो में देख पा रहे हो, जो सेकंड आपकी चीज़ आती है वो ये फ्रंट आ रहा है, जिसको हमने थोड़ा सा डार्कर अपील दिया है। अब ये डार्कर अपील हम तीन चीज़ों से ले सकते हैं, या तो ACP क्लैड जो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल है, बाकी की 3Ds में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा हम टाइल से ले सकते हैं, और तीसरा हम पेंट से ले सकते हैं। तो अगर ACP से जाएंगे तो ACP हमारा जो कॉस्टिंग आएगी वो होगी करीब करीब 250 रुपये स्क्वायर फिट में लग जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इसके अंदर कि हम यहाँ पे पेंट कराएंगे तो पेंट का जो कॉस्ट आएगा वो करीब करीब 40 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। 40 रुपये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम हाई एंड पेंट कराएंगे, जैसे एशियन पेंट्स का एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक आ गया, रेनकोट आ गया, वो वाला पेंट कराएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप सस्ता पेंट करा लोगे तो हर 2 साल में फिर पेंट कराना पड़ेगा, उसमें क्रैक आएगा और बिल्डिंग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी खराब होती है। तो इसको हम हाईएस्ट एंड का पेंट लेंगे। पेंट के ऊपर कौन सी वीडियो वो मैंने बनाई हुई है कि कैसे पेंट करना है, वो वहाँ पे डाला हुआ है। एक्सटीरियर में कौन सा बेस्ट पेंट है, सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी लोगों ने वही देखी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसमें सब कुछ मैंने डिटेलिंग में बताया हुआ है, कॉस्टिंग कितनी, लेबर कितना, क्या लगेगा, सब वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ टाइल की बात करते हैं तो अगेन टाइल की जो कॉस्टिंग आएगी वो आप मान के चलो करीब करीब आपके जो टाइल पसंद आएगी आपको वो आराम 50-70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में अच्छी टाइल, या प्लैंक्स में भी जो टाइल अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी। और जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो अगेन 50 रुपीज़ आएगी। लेकिन जो मैं 30 रुपीज़ कह रहा हूँ ना, टाइल के साइज़ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर टाइल का साइज़ आप बहुत बड़ा ले रहे हो तो इसकी कॉस्ट 30 रुपये से लेकर 100-150-200 रुपये भी जा सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि एक दिन में बंदा कितने स्क्वायर फीट निकाल सकता है। ये ना हो ना कि हमने टाइल का साइज दे दिया 8x4 की टाइल लगानी है, वो पूरे दिन में बेचारा एक ही टाइल लगा पाएगा तो उसका तो कुछ भी अमाउंट नहीं बन पाएगा। तो वो उस रेट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़, ठीक है। तो ये मैं बेसिक टाइल का साइज लेके चल रहा हूँ कि 2x1 का प्लैंक लगा रहे हो, 2x1 की एक टाइल लगा रहे हो। अगर साइज़ बड़ा होगा तो रेट बढ़ते चले जाएंगे, ये जगह जगह के हिसाब से सबका डिफरेंट होता है। तो एक बेसिक एवरेज मैं आपको दे रहा हूँ जिससे कि आपको कॉस्ट पता लग जाए। तो अगर हम इस फसाड पे बात करते हैं कि टाइल अगर लगती है तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो टोटल आएगी 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ऑन एन एवरेज हम इसको ले लेते हैं 150 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने जो इसकी छत है इसमें हमने लूअर्स डाले, मतलब कि हमने HPL का क्लैड किया है, और ये HPL की क्लैड से सीलिंग जो है वो काफ़ी सुंदर बन गई है और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है ग्रे, ग्रीन और ब्राउन का। तो कभी भी घर में अगर आपको नेचुरल या अच्छी फील चाहिए तो ग्रे, ग्रीन और ब्राउन को हमेशा यूज़ करो, उससे फील बहुत आ जाती है। लेकिन ब्राउन वो नहीं बिल्कुल चॉकलेट वाला ब्राउन जो अगर आप सोच रहे हो, जो इस 3D में आपको दिख रहा है उस टाइप का ब्राउन आपको यूज़ करना है। अब ये जो HPL लगता है, ये HPL की जो कॉस्टिंग है, इसमें एक जो ट्रिक का है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि HPL में अगर 100 ब्रांड है तो 100 में से 90 ब्रांड्स का कलर हमेशा फेड हो जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा है। सिर्फ 10 ब्रांड है जो चलते हैं, जिनकी लाइफ एक्चुअल में 10 साल तक चलती है। तो जो फेमस कंपनी है वो स्टाइलम है आपका, फंडरमैक्स है आपकी, ये कंपनी है, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है और लेना भी फेमस के लिए, क्योंकि रेट में भी बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप नॉर्मल ब्रांड में जाओगे तो उसकी आई थिंक आएगी वो 100-150 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन अगर ब्रांडेड में जाओगे तो वो 200-230 रुपये तक की भी जाएगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, लेना ओरिजिनली, क्योंकि अगर मान लो आपने सस्ते के चक्कर में लगवा लिया तो बस, तो फिर आप फंस गए। एक और ब्रांड है मरीनो, मरीनो की भी काफ़ी अच्छी आती है। तो हाईएस्ट ब्रांड में जाना, उसी को लेना। आई नो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन ड्यूरेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और अगर गलत हाथों में पड़ गई आपकी HPL, किसी और घटिया वेंडर से लगवा लिया तो हो गया सारा काम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो HPL की कॉस्ट होती है वो करीब करीब आप 230 रुपये पर स्क्वायर फीट मान लो, उसकी जो लेबर और जो एल्यूमिनियम जिसके ऊपर, जैसे अगर ये एल्यूमिनियम की ट्यूब है उसके ऊपर HPL को अगर कसा जाता है तो आप मान चलो करीब करीब 230 या 250 रुपये आप उसको पकड़ लो, और 100 रुपये लेबर प्लस एल्यूमिनियम का चार्ज ले लो,
तो अप्रॉक्स 350 रुपये स्क्वायर फीट में आपकी HPL की क्लैड लग के रेडी हो जाएगी। अब अगेन इसमें एरिया अगर बहुत ज़्यादा है आपके पास तो रेट थोड़े और कम हो जाएंगे, अगर कम एरिया तो रेट थोड़े बढ़ जाएंगे, तो ये अगेन एक एवरेज कॉस्टिंग है। तो 350 रुपये स्क्वायर फीट आप मान के चल सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्टोन, जो स्टोन हमने इसकी बैक वॉल पे लगाया। अब ये जो स्टोन की कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग आती है करीब करीब 150 रुपये पर स्क्वायर फीट की। इसको लगाने का अगेन चार्ज आएगा, जो लेबर लेगा वो करीब 50 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा, और जो मटेरियल का कॉस्ट आएगा अगेन वो सेम 50 रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब इसमें भी सेम ट्रिक है कि ये लगेगा केमिकल पे ही, ये नहीं कि आपने इसको भी सीमेंट पे लगवा दिया तो वो बहुत गंदा लगता है। अब इस पत्थर में दो तीन चीज़ें और एलिमेंट ऐड हो सकता है। ऐड क्या हो सकता है कि अगर आपने स्टोन है तो स्टोन के ऊपर जब जहाँ जहाँ ग्रूव्स इसमें अगर आपको दिख रहे होंगे, अगर ये फोटो में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ग्रूव्स है, ठीक है, इस ग्रूव्स को कई बार हम पत्थर को शार्प एज की जगह उसको थोड़ा सा शैम्फर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा एज बना देते हैं, सो दैट थोड़ा अपीलिंग और लगता है, सुंदर और दिखाई देता है, तो वो आप करा सकते हो। वो रनिंग फुट के हिसाब से मेजर होता है, अब वो आपका जो मेजर होगा या जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो रेट देगा वो इसी के अंडर रहेगा, तो वो वहाँ से आप उससे बात करके मैनेज कर सकते हो। तो बेसिक रेट मैंने आपको दे दिया है। अब इसका जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट अगेन वही है कि आप टाइल्स लगा सकते हो, तो अगेन अगर हमारा करीब करीब ये सीधा 60-70 रुपये पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि स्टोन हमने 150 का पकड़ा है और जो टाइल है वो करीब करीब 50-60 रुपये में आ जाएगी और लेबर उसकी भी सस्ती हो जाएगी। तो आप वही मान के चलो जो हमने फ्रंट फसाड में यहाँ पे टॉप पे जो हमने ये टाइल लगाई थी सेम उसी रेट पे यहाँ पे भी वो टाइल लग जाएगी और सेम फील आ जाएगी, क्योंकि स्टोन का बेस्ट रिप्लेसमेंट टाइल होता है। तो मैं तो कहूँगा अगर स्टोन में जा रहे हो तो यार टाइल लगा लो, ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपको फील चाहिए कि नहीं भाई यार मुझे स्टोन की फील चाहिए, तो फिर टाइल वो फील नहीं दे पाएगी, आप स्टोन लगाओ, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है जो अक्सर लोग गलती कर रहे हैं वो ये है कि ग्लास रेलिंग। आजकल मैंने देखा कि SS की रेलिंग लगा रहे हैं लोग और उसके बाद उसमें नीचे शीशा डाल देते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, वो मत कराया करो। इसमें जो बेस्ट तरीका आप देख रहे हो ये ग्लास देख रहे हो इसके अंदर, और ये एक सिंगल स्लिम प्रोफाइल है, तो रेदर देन वो इतने सारे नंबर ऑफ पाइप्स खड़े करने की बजाय आप सिंपल ये एक ग्लास डालो, और जो ग्लास की कॉस्टिंग आई वो करीब 160-170 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा, और जो ये एक लेंथ आएगी, ये एक लेंथ अगर 20 फुट की बात करूं तो करीब करीब 5-6 हज़ार में आ जाएगी। तो करीब करीब आप मान चलो कि 8 mm का टफंड का अगर ग्लास है तो 150-160 रुपये में आपका ग्लास आ गया, और 30-40 रुपये उसकी कॉस्ट होगी लगाने की, तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका इजीली ग्लास और प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाएगा और देखने में सेम ये फील आएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी कॉस्टिंग की वीडियो आती रहेगी। और अगर आपने बेडरूम में जिसमें मैंने एक 7-स्टार होटल के रूम को, अगर आपको सेम वही रूम चाहिए तो उसकी कितनी कॉस्टिंग आने वाली है वो मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है, आई बटन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ से आप जाके इजिली देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो होती है लाइटिंग। देखो आप घर पे कितना भी पैसा लगाओ, अगर आप सिंपली पेंट भी करोगे और पेंट के साथ साथ अगर आप उस पर सिर्फ लाइटिंग अच्छी डाल दोगे तो इतना सारा काम करने की भी जरूरत नहीं है। पेंट का सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि यार कि उसकी एक लाइफ होती है 5 साल या 6 साल या 7 साल, अगर हैवी क्वालिटी का पेंट है सस्ता है तो 2 साल या 3 साल तक ही चलता है, उसके बाद उसको रीपेंट कराना पड़ता है। बट पर्सनली मुझे तो पेंटेड वाले घर यार बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो अगर अपना खुद का घर डिज़ाइन करूंगा तो सिर्फ पेंट में जाने वाला हूं, और मेरे को किस टाइप के घर पसंद है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप ये देख लो अगर पैलेस वाली फील आ रही है तो देख रहे हो इसमें सिर्फ लाइटिंग का इफेक्ट है। तो जैसे मैं अपने इंटीरियर की वीडियोस में बताता हूं कि अगर आपने लाइटिंग अच्छी डाली है, लाइटिंग में लाइट्स की बात नहीं कर रहा मतलब प्लेसमेंट उनकी, अगर सही जगह पे एक एक कॉर्नर में अगर सही जगह आपने लाइट डाली है तो जो आपका घर है वो और सुंदर हो जाएगा नॉर्मल सिर्फ पेंट से। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि लाइटिंग का है, मैं आपको कुछ फोटोज भी साथ के साथ दिखा देता हूँ कि अगर लाइटिंग अच्छी डाली होगी तो आपने घर आपका अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगा। तो लाइटिंग से अच्छे से प्ले करो, नहीं तो हमें बताओ यार, हम एलिवेशन डिजाइन कर देंगे जिसमें लाइटिंग का प्लेसमेंट आपको सारा पता लग जाएगा। अब चलो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। ये एक 3D डिजाइन है जो कि हमारा असम में क्लाइंट है, उनके लिए हमने 3D एलिवेशन डिजाइन किया था। अब इनमें आपको ये पता करना है, ये मुझे आपको बताना है, डायमेंशंस इसमें सारी लिखी हुई है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो इससे आपका टेस्ट भी लग जाएगा। जितने आप कमेंट करोगे सबको मैं बताऊंगा कि हाफ का जो एस्टीमेट है वो सही है कि नहीं है, और इजीली आप भी अपने घर का एस्टीमेट कैलकुलेट कर पाओगे। अब जैसे कि अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15,000 रुपये में चाहे आपका ग्राउंड फर्स्ट कोई सा भी फ्लोर है उसको आप सुंदर कैसे कर सकते हो, वो भी बेयर मिनिमम कॉस्ट पे। तो आप ये सबसे पहले फोटोज देख रहे हो, ये मैंने कहीं घर पे देखा था जो कि डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा यार। अभी आप देख रहे हो इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है, MS के पतले पाइप्स हैं और उन पाइप्स को क्रिस क्रॉस बनाया गया है, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है यार, मतलब मैं तो फैन हो गया। और देखते ही कि यार हाँ ठीक है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वेस्टेज से मैंने कैसे इस ऑफिस को डिजाइन किया था अपने को, और इस केस में ये MS के पाइप से जो डिजाइन हुआ है इसमें बहुत सी चीजें हैं, एक थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस भी बढ़ गया है, और साथ के साथ ये लूअर से बहुत सुंदर लग रहा है।
तो ये वो डिज़ाइन है, इसका कॉस्ट 15,000 ही आएगा। पतले पाइप्स आते हैं, थोड़े हल्के पाइप्स रखना, ज़्यादा हैवी मत ले लेना। 1.5 mm की थिकनेस वाले पाइप के वो आप ले लेना, एक फ्लोर के लिए इजीली कवर हो जाएंगे, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और ये लाइव फोटो है, यानी कि 3D है, ये सैंपल है, ये आप देख सकते हो और किसी भी जगह पर कवर अप कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है। अभी रात के करीब करीब 12 बज चुके हैं और मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत जोर की नींद आ रही है, अब जाते मैं सोने वाला हूँ। तो टिल देन गाइस, गुड बाय।